हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है मुंबई बनाम दिल्ली, खेला जाएगा एट द वानखेड़े इन मुंबई। ये सेकंड गेम है यहाँ पे एंड गर्मी एंड धूप बहुत ज्यादा, तो वही एक्सपेक्ट करेंगे मुकाबले में। विन प्रेडिक्शन मुंबई इंडियंस की तरफ में भी, पहला गेम पहली विक्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए उनकी। मेनी जेएल एंड स्मॉल लीग्स ऑन माई मास 11, एक्स्ट्रा रियल कैश दे रही है माई मास 11 इस वीकेंड पे। काफी स्पेशल ऑफर है, तो अगर आपने फायदा नहीं उठाया अभी के अभी जाके उठा लीजिए, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं आती। एंड कुछ एक्स्ट्रा बोनस कैश मेरी तरफ से भी है स्पेसिफिक ऑफर में, सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस। अप टू 6% रियल कैश एंड एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर एफसीपी यूजर्स। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं आगे की तरफ एंड समझते हैं क्या है प्रोस्पेक्ट इस मुकाबले के लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस आप जीत सकते हो। 19 में क्लासिक एनफील्ड, 15 में आईफोन एंड 49 में थार, सो सम रियली गुड प्राइजेस ऑन ऑफर आपको। एंड ये जो 19, 15 एंड 49 है वो है एंट्री फीस फॉर द स्पेसिफिक लीग्स। रिमेम्बर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स अपडेट्स सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो बेल आइकन जरूर हिट करिए, ताकि जो भी आगे की वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको अपने नोटिफिकेशन बार में आते रहे। एंड कॉन्टेंट पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं फॉर द मुंबई इंडियंस, रोहित एंड किशन, एंड फॉर डीसी शॉ एंड वॉर्नर। तो यहाँ आप देख सकते हैं द टैक्टिकल कॉर्नर की ओपनिंग थोड़ी सी कंसर्निंग है फॉर एमआई एंड डीसी एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, बट बैटिंग है वहां पे ग्रीन। मिडल ओवर्स की बात की जाए तो थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पे, एज मुंबई इंडियंस का मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से फायर किया नहीं है, एंड द सेम गोज फॉर डेली। वाइल एमआई के मिडल ओवर्स की बात की जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम है, चावला ने कुछ खास नहीं किया। एंड मधवाल अब तक एक ही गेम खेले हैं इस सीजन, वाइल कुलदीप डीसी के लिए अवेलेबल नहीं है, बट अक्षर एंड मुकेश यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बुमराह एंड कोहली एट द डेथ, वाइल नौकी एट द डेथ फॉर डीसी, जो एक कंसर्न पॉइंट है। डीसी के पास उतना फायर पावर नहीं है एट द डेथ, एंड टिम डेविड होंगे उनके सामने, तो आसान नहीं होगा ये टास्क। याद है रसल एंड रिंकू ने लास्ट गेम में क्या किया था, तो एक ग्रैंड लीग डिफरेंशियल यहाँ पे बन जाते हैं आपके लिए। रिंकू सिंह वाइल मुंबई खेलेगी पोरेल अक्षर के सामने, जो अब तक स्मूथ नहीं रहे। पोरेल का एक अच्छा नौका है, बट उसके अलावा बुमराह को फिर के सामने फिनिश करना आसान नहीं होगा, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए जीएल कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस के हिसाब से। तो ये रही टैक्टिकल कॉर्नर की बात। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर एंड सनी वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो वैसे ही अच्छे स्कोर देखने को मिलते हैं। पहले गेम में पिच में कुछ स्पाइस थी, हमने देखा कि अप फ्रंट कुछ मूवमेंट थी जिससे बोल्ट और बर्गर ने काफी परेशान किया, बट ये एक आफ्टरनून गेम है तो मे बी उतना कुछ हेल्प ना मिले, बट जनरली आफ्टरनून गेम्स में थोड़ा सा स्पिन को मदद मिलता है, तो उस बात का ध्यान रखिए जब आप अपनी जीएल टीम्स बना रहे हो कि मिडल ओवर्स बैटर्स के लिए मे बी कंडीशंस उतने आसान ना हो। ये टोटली एक अजम्पशन है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अंडर द सन पिच थोड़ी सी ड्राई आउट हो सकती है, बाकी होगी कि नहीं वो तो सिर्फ आपको ऑन द डे ही पता चलेगा। प्लेइंग इलेवेंस की बात की जाए तो ये एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवेंस, कुलदीप अगर वापस आए तो फिर आ सकते हैं ईशांत या मुकेश की जगह पे। वाइल एमआई की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इंक्लूजन सूर्य कुमार यादव है वापस बैक इन द स्क्वाड इस गेम के लिए अवेलेबल है, यानी कैटेगोरिकली तो नहीं मेंशन किया गया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट ही शुड बी अवेलेबल फॉर दिस वन। माई मार्च 11 पे याद रखिए कि आपका जो एंट्री फी है काफी कम है इन कंपेरिजन टू अदर एप, सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस। अगर आपके कुछ भी रुपए बच रहे हैं वो एंड ऑफ द डे आपके ही पॉकेट के, क्योंकि वो आपके ही मेहनत के पैसे हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस, क्योंकि यही चीजें आपको आगे मदद करेंगी, एक्स्ट्रा मैचेस का इन्वेस्टमेंट आपका बचाएंगी, साथ साथ में इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में भी ये काउंट होगा जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड फर्स्ट प्राइज है एक बहुत ही अमेजिंग मर्सिडीज बेंज। अब चलते हैं आगे की तरफ। मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो अभी स्टार्ट विद रोहित शर्मा, जिनका डीसी के सामने ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है। ऑफ लेट थोड़ा सा ऑफ कलर है अगेंस्ट दिस टीम, एंड एट मुंबई लास्ट गेम में एक डक मार के आ रहे हैं, मैचअप भी कुछ खास नहीं, सो रोहित शर्मा मेरे लिए इस गेम में मे बी एक 50-50 पिक हो जाए, बट क्योंकि डे गेम है प्रॉब्ली कंडीशंस थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेंगी स्पेशली एट द स्टार्ट फॉर बैटिंग। ईशान किशन की बात की जाए तो वर्सेज डीसी बहुत ही ज्यादा अच्छा एवरेज, साथ साथ में एट मुंबई इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, बट क्योंकि कीपिंग वैल्यू देंगे एंड सामने वाले बोलर्स के सामने मैचअप अच्छे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीव तो नहीं कहा जा सकता है इन्हें। नमन धीर आई डोंट नो इस गेम में खेलेंगे या नहीं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अब अवेलेबल है एंड अब तक कुछ खास नहीं कर पाए, बट इम्प्रेसिव लगे हैं स्पेशली वो जो पहला गेम था वर्सेस जीटी, सो लेट्स सी खेलते हैं तो जीएल में ट्राई करेगा, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक बेस टीम में जगह इन्हें मिल पाएगी। सूर्य कुमार यादव वेरी बिग इंक्लूजन, लेट्स सी मुंबई के लिए गेम खेलते हैं कि नहीं।
एक जो मैचअप है उनका हमेशा वो लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने रहता है, एंड जो सामने वाली टीम का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उन्होंने भी इन्हें परेशान किया है। उस मैचअप को हम आगे डिस्कस करेंगे मैचअप सेक्शन में, बट ऑफकोर्स एट मुंबई इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है वर्सेस डीसी, 29 का एवरेज, तो ठीक ठाक नंबर्स कहेंगे उनके, जो इनका जो कैलिबर है वो हिसाब से तो काफी कम। डेविल ब्रोस वापस कुछ कंफर्मेशन नहीं फील स्टार्ट दिस गेम ऑन, क्योंकि अगर स्काई आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी इन टर्म्स ऑफ टीम कॉम्बिनेशन। अब तक कुछ खास फॉर्म इनका भी रहा नहीं है तो बेस टीम में इन्हें भी नहीं लिया जा सकता। तिलक वर्मा ठीक ठाक फॉर्म में लगे हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, एंड वर्सेज डीसी भी ठीक ठाक नंबर्स, 28 की एवरेज एट मुंबई, 31 की एवरेज, एंड अगर कोई स्पिन को नेगोशिएट करेगा इन द मिडिल ओवर्स तो उसमें इनका की रोल रहेगा, हेंस ऑफ कोर्स बेस टीम में आप इन्हें ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि बैटिंग के लिए एक अच्छी पिच हो सकती है। हार्दिक पांड्या 17 मैचेस 270 रन एंड 6 विकेट्स वर्सेस डीसी, सो अगेन नॉट द बेस्ट रिकॉर्ड जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे प्लेयर से, बट क्योंकि आपको ऑलराउंड वैल्यू देंगे, लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं की थी इन्होंने, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक वन ऑफ था अनलेस कोई इंजरी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। एंड एट मुंबई ठीक ठाक रिकॉर्ड इनका, 29 के एवरेज, 23 विकेट, सो डेफिनेटली एक कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस फॉर दिस गेम। टिम डेविड लोअर ऑर्डर में आएंगे एंड फिनिशिंग ऑर्डर में हमें पता है कि डीसी की बॉलिंग के कुछ कंसर्न रहे, एक्सपेक्टिंग कि टिम डेविड यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये पहले बैटिंग करे तो उस बात का बिल्कुल ध्यान रखेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, पीयूष चावला 23 मैचेस 26 विकेट्स वर्सेज दिल्ली, एंड डेफिनेटली इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रह सकता है इन अ डे गेम, सो फर्स्ट बॉलिंग में स्पेशली अंडर द सन में भी कुछ मदद भी मिल जाए ना तो उस सिचुएशन में बिल्कुल इन्हें जीएल में ट्राई करेगा। सेकेंड इनिंग्स थोड़ा सा में भी यहाँ पे ड्यू हो सकता है तो दैट माइट मेक थिंग्स लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट फॉर हिम। आकाश मधवाल अच्छे रहे एट मुंबई, 3 मैच में 7 विकेट्स, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड, एंड एट द डेथ विकेट्स के लिए जाने जाते हैं, पहले बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बेस टीम में आप इन्हें ले सकते हो। उसके अलावा नॉट टू मेनी मैचअप्स, एंड लास्ट गेम में फॉर्म इनका अच्छा था, एक ही गेम खेला अब तक दिस सीजन। जेराल्ड कोर्जिया लास्ट गेम में ऑफ कलर लगे एंड काफी इराटिक थे, बट क्योंकि जिस तरीके के पेस से डालते हैं एंड विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, हेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉप तो नहीं कहूंगा इन्हें, स्पेशली क्योंकि डीसी की मिडिल ऑर्डर हॉट एंड कोल्ड खेली अब तक, एंड वो हिसाब से ठीक ठाक पिक बन सकते हैं इस मुकाबले में। बुमराह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक इस गेम में, 10 मैच में 15 विकेट्स इन फ्रंट ऑफ डीसी, एंड एट मुंबई 37 मैचेस 39 विकेट्स, सो डेफिनेटली आपकी बेस टीम में एक जगह जसप्रीत बुमराह यहाँ पे लेके जाएंगे। एक्सचेंज 22 पे भी एक लीडर बोर्ड चल रहा है, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट, कुछ टॉप प्राइजेस एंड एक अलग फॉर्मेट है, सो सम वेरिएशन फॉर यू। आप जैसे साइन अप करेंगे ₹100 रियल कैश आपको मिल जाएगा ऑन साइन अप, एंड आपका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ना TDS एंड ना GST एक्सचेंज 22 पे। अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, एंड यहाँ पे डेविड वॉर्नर टू स्टार्ट द अटैक वर्सेज MI, एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड, एंड एट मुंबई भी ठीक ठाक नंबर्स, मैचअप्स भी ठीक ठाक इनके, सो आई थिंक डेफिनेटली बेस टीम में एक जगह मिलेगी, एंड मेरे हिसाब से वाइस कैप्टेंसी के एक अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं ये इस मुकाबले में। पृथ्वी शॉ वर्सेज मुंबई कुछ खास नंबर्स नहीं, सिर्फ 14 का एवरेज, एंड एट मुंबई भी सिर्फ 22 का एवरेज, इनका होम ग्राउंड है, बट चैलेंज इजी नहीं रहेगा क्योंकि बुमराह होंगे इनके सामने, साथ साथ में कोर्टजी भी इनके लिए काम कुछ आसान नहीं करने वाले, हेंस ये एक चैलेंजिंग गेम रहेगा इनके लिए। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है, सो हु नोज इफ ही हैज सम ट्रिक्स अप हिज स्लीव, बट जिस तरीके की बॉलिंग है सामने, बेस टीम में लेना इन्हें मुश्किल होगा। मिचेल मार्श 3 मैचेस जस्ट 38 रन एंड 3 विकेट्स वर्सेज MI, एंड एट मुंबई 5 मैच में 102 रन एंड 3 विकेट, तो वापस ऐसे टाइप के प्लेयर है कि 20 रन 1 विकेट एंड आपका वहां पे फैंटेसी वैल्यू निकल जाता है, तो बेस टीम में रहेंगे बट क्योंकि फॉर्म नहीं है, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देना इन्हें अभी के लिए मुश्किल रहेगा। ऋषभ पंत वर्सेज MI 38 की एवरेज एंड एट मुंबई 36 की एवरेज, तो ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पे, आई थिंक कि कोर्टजी के सामने मे भी कुछ चैलेंज वो प्रेजेंट कर पाए इनके लिए यहाँ पे, क्योंकि ऑफ स्टंप एंड ऑफ साइड पे अच्छे से डालते हैं वो, एंड वही उनका ऋषभ पंत का एक वीक स्पेस है कि जब आप उनपे उन्हें ऑफ साइड पे डाले वो पावर नहीं आती उनके बैट फ्लो में, एंड वहां पे वो ऑफ साइड पे कैच दे बैठते हैं। कोर्टजी उस लाइन पे काफी बार विकेट्स ले चुके हैं, सो लेट्स सी इफ दैट कम्स टू फ्रूटेशन अगेन। उसके बाद है ट्रिस्टन स्टब्स, मुंबई के लिए खेल चुके हैं पहले ये, एंड 3 मैच में सिर्फ 7 रन, यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो इन सम टीम्स, बट बेस टीम में डेफिनेटली नहीं ले पाएंगे। अक्षर पटेल ठीक ठाक नंबर, 19 मैचेस 12 विकेट्स 250। अक्षर पटेल हमने ये पहले एंड दूसरे टीम्स के सामने भी देखा है कि प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना डिफेंसिवली डालते हैं, स्पेशली जब पहले बॉलिंग करते हैं, कि ज्यादा विकेट्स इन्हें मिल नहीं पाती,
एट मुंबई 11 मैचेस 7 विकेट्स एंड 129 रन, सो नॉट एनीथिंग टू टॉक होम अबाउट। एंड सामने होंगे किशन तिलक वर्मा, हेंस मेरे हिसाब से एक 50-50 पिक। इफ ही बैट्स फर्स्ट एंड बॉल सेकंड तो थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट बढ़ सकता है, एज फिर विद द बैट एंड विद द बॉल अपॉर्चुनिटी वैल्यू उनकी बढ़ जाएगी। अभिषेक पोरेल ठीक ठाक किया इन्होंने, सम ग्लिम्सेस ऑफ ब्रिलियंस डेफिनेटली, आप जीएल में ही ट्राई कर पाएंगे इन्हें, एज बेस टीम में आपके पास ऑलरेडी दूसरे कीपिंग ऑप्शन बने रहेंगे। कुलदीप यादव 9 मैचेस 7 विकेट्स एंड एट मुंबई 7 मैचेस 7 विकेट्स, एंड लास्ट कुछ गेम से खेल नहीं रहे, बट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हेंस रिकॉर्ड डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली हमारी बेस टीम में एक जगह लेके जाएंगे। एक्सचेंज उसके बाद माय मास्ट 11 पे सीरीज लीडर बोर्ड भी चल रहा है, सो इफ यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डोंट मिस आउट ऑन द चांस। मुकेश कुमार की बात की जाए तो वर्सेज एमआई एक मैच में 2 विकेट्स, और पहले भी कहा है जैसे मैंने कि जिस तरीके की लाइन एंड लेंथ ये डालते हैं ज्यादा विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती नहीं, बट वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 3 विकेट्स वहां पे लेके गए थे। लेट्स सी कैसा रहता है इनका रोल इन दिस गेम। ईशान शर्मा वानखेड़े का पेस एंड माउंट का थोड़ा सा ये उपयोग कर सकते हैं, रोहित शर्मा के सामने भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप। वर्सेज एमआई 14 मैचेस में 16 विकेट्स एंड एट मुंबई 6 मैचेस 8 विकेट्स, डेफिनेटली अ पिक वर्थ कंसिडरिंग। अगर मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहूँ तो डेफिनेटली मेरी टीम में हो सकते हैं। एनरिक नोकिया 7 मैचेस 7 विकेट्स एंड एट मुंबई 1 मैच 2 विकेट्स, फॉर्म उनके साथ रहा नहीं, लास्ट गेम में कुछ विकेट्स मिले बट उसके पहले काफी मार खा के आए, बट जिस तरीके का पेस है फर्स्ट या सेकंड बॉलिंग में आपको टीम में रखना पड़ेगा, एज अगर ये 50 रन देके 3 विकेट ले आपकी फैंटेसी वैल्यू वो हिसाब से फिर भी निकल के आती है। लास्ट प्लेयर खलील अहमद, काफी अच्छे मैचअप्स इनके, एंड 4 मैचेस 6 विकेट्स एट मुंबई 4 मैचेस 5 विकेट्स, एंड मैचअप सेक्शन की तरफ चलेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं इस मुकाबले में। तो चलते हैं मैचअप्स की तरफ। रोहित शर्मा वर्सेस ईशान शर्मा 48 of 40 एंड 3 बार आउट हुए, स्ट्राइक रेट ऑफ 120, सो डेफिनेटली अ मैचअप दैट कैन बी एक्टिवेटेड अगेन। हार्दिक पांड्या वर्सेज खलील अहमद 28 of 21 एंड 3 डिसमिसल, सो अगेन अ क्रूशियल मैचअप एंड अगेन वापस ये एक्टिवेट हो सकती है। ऋषभ पंत वर्सेज जसप्रीत बुमराह 6 डिसमिसल्स एंड सिर्फ 111 का स्ट्राइक रेट, तो ऋषभ पंत पे अगर आपको चांस लेना है तो अगर आपको लग रहा है बुमराह का अच्छा दिन रहेगा तो फिर यहाँ पे आप वो चांस ले पाओगे। एंड सूर्य कुमार यादव वर्सेज अक्षर पटेल, जैसे मैंने कहा लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने तकलीफ है इनकी, 53 of 61 एंड 1 डिसमिसल, स्ट्राइक रेट सिर्फ 83 का। तो ये होंगे आज के इंटरेस्टिंग मैचअप्स एंड सारे बड़े बैटर्स है बैटिंग सेक्शन में, तो जीएल में जब आप टीम्स रोटेट कर रहे हैं डेफिनेटली इन मैचअप्स को कंसिडर करिएगा। अब बनाते हैं हमारी, सो वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस यहाँ पे होंगे ईशान किशन विदाउट अ डाउट। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो डेविड वॉर्नर होंगे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक, अगर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं तो विल डेफिनेटली माय टीम। इन द ऑलराउंडर सेक्शन हार्दिक पांड्या मिचेल मार्श होंगे इंपॉर्टेंट पिक्स, अक्षर पटेल अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो वापस इन्हें टीम में जगह मिल जाएगी। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, एनरिक नोकिया एंड जेराल्ड क्विट ये डेफिनेटली होंगे इंपॉर्टेंट पिक्स। खलील अहमद के भी मैचअप्स अच्छे हैं, सो डेफिनेटली अ पिक वर्थ कंसिडरिंग, चाहे पहले बॉलिंग करें या सेकंड। मुंबई में हमने देखा है कि जब सेकंड बॉलिंग हुई स्पेशली इन द ओडीआई वर्ल्ड कप डे गेम्स में, सेकंड बॉलिंग में अंडर लाइट्स मूवमेंट हुई एंड यहाँ पे भी सेकंड इनिंग्स अराउंड सिमिलर टाइम ही स्टार्ट होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेकंड इनिंग्स पेसर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुलदीप यादव इफ ही प्लेज विल डेफिनेटली बी इन माय बेस टीम। बात करें फिर आखिरी बैटर की, आप किसके साथ जाएंगे यहाँ पे, अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यू कैन गो विथ रोहित शर्मा स्पेशली इफ ही बैट्स फर्स्ट, क्योंकि डे गेम में अपना समय लेके खेल सकते हैं एट द स्टार्ट एंड कुछ मूवमेंट का थ्रेट जनरली नहीं होता स्पेशली एट द स्टार्ट इन अ डे गेम। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या कैप्टनसी चॉइस, एक्सपेक्टिंग कि वापस बॉलिंग करेंगे यहाँ पे। एंड वाइस कैप्टनसी चॉइस की बात की जाए तो आई विल करेंटली गो विद जसप्रीत बुमराह, एज नंबर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे इनके, तो थोड़े से लेफ्ट फील्ड है बट डेटा डेफिनेटली इस चीज को जस्टिफाई करता है। तो ये रही हमारी आज की बेस टीम, अब चलते हैं आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। तो आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस की बात की जाए, खलील अहमद डेटा एंड मैचअप बेस्ड, रोहित शर्मा हाई सिलेक्ट ड्रॉपर इज बॉम्ब बेस्ड ऑन मैचअप, एंड बात करें जीएल सीवीसी ऑप्शंस की तो अक्षर एंड वार्नर वाइल बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, बैटिंग सेकंड बॉलिंग फर्स्ट एनरिक नोकिया, एंड दोनों सिचुएशंस में बुमराह एंड हार्दिक। तो ये रहे हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस, आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आया हो। एक्सचेंज 22 के पिक्स भी मुझे डिस्कस करने थे, अगर ये प्रीव्यू अगर करेंटली लाइव है एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ उस बात को एंड उसके बाद कंक्लूड करेंगे इस प्रीव्यू को। अगर आपने एक्सचेंज 22 पे साइन अप नहीं किया तो इंश्योर कि आप अभी के अभी
कर लीजिए। तो एक्सचेंज 22 पिक्स आल्सो लाइव, सो लेट्स डिस्कस देम राइट अवे। वी स्टार्ट विद द मुंबई साइड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे तिलक वर्मा इफ इज बैटिंग फर्स्ट, 1.35 पे अच्छी खासी वैल्यू आपको दे सकते हैं, डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। हार्दिक पांड्या इफ बोलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड एट 42 इज अ गुड चॉइस। जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली अ पिक एट 35, एंड उसके अलावा आकाश मधवाल इफ बोलिंग फर्स्ट, सेम फॉर जलाल कुर्जिया बोलिंग फर्स्ट। दिल्ली की बात की जाए तो अक्षर पटेल इफ बैटिंग फर्स्ट एंड बोलिंग सेकेंड, उसके बाद खलील अहमद आई थिंक दोनों सिचुएशंस में एक अच्छी पिक बन सकते हैं। एनरिक नोकिया इफ बोलिंग फर्स्ट, एंड उसके अलावा नो अदर रियल पिक्स। आई थिंक यही होंगी हमारी आज की पिक्स। सो आई होप आपको ये प्रीव्यू पसंद आया हो। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। डू रिमेम्बर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।